राम राज्य में सिर्फ एक धर्म को ऊपर रखकर बाकी सबको नीचा दिखाया जाता है तो राम राज्य को आने से अब कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो राम राज्य अब आ चुका है जहां पर मुसलमानों का हाल आज बद से बदतर कर दिया गया है, वो भी योगी जी के राम राज्य में। मुसलमानों को देखते ही इनके अंदर की सारी देशभक्ति और धर्म की भक्ति जाग उठती है और वो मुसलमानों को सीधा सीधा पीटने लगते हैं, उनसे अपने धर्म के नारे लगवाने से पीछे नहीं हटते। खैर, जिस देश के पीएम कपड़े देखकर पहचानने और उनसे व्यवहार करने की बात करते हैं तो और बाकी लोगों से उम्मीद क्या ही की जा सकती है। जिस पार्टी के लोग खुलेआम मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे नारे लगाए जाते हों और बाद में उसी शख्स को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता हो तो फिर लोगों को हौसला मिल जाता है। लेकिन ये सब कुछ हमारे नए भारत में देखने को मिल रहा है। अब इसी फहरिस्त में एक और घटना शामिल हो गई है, जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की कैटेगरी में रखा जाता है, आज उसी यूपी में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं और होता हुआ क्या नजर आ रहा है, इस पर एक्शन क्या होता है, खबर छपती है, एफआईआर दर्ज होती है और बस हो गया दिखावटी खेल खत्म और पैसा हजम। उसके बाद शुरू होता है दूसरा खेल, जिसके बाद एक और नए जो है शख्स को टारगेट किया जाता है और उससे धर्म के नारे लगाए जाते हैं। अब ये सारी तस्वीरें आम हो गई हैं, रोज ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं जहां इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद से एक बार और ऐसी ही घटना निकल कर सामने आई है, जहां पर धर्म विशेष के दो लोगों के साथ मारपीट की गई और ये पूरी घटना सामने आने के बाद जो कार्रवाई की गई है ना, वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हमला करने वालों ने पहले एक मस्जिद के इमाम को पीटा और दूसरे धर्म के नारे लगाने के लिए मजबूर कर दिया, जबरदस्ती उनसे नारे लगाए गए और बीच रोड पर लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन इमाम को दो लोग पीटते रहे और किसी ने रोकने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इमाम से दूसरे धर्म के नारे लगवाते रहे बीच सड़क पर और लोगों की आवाजाही चलती रही। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, एक मुसलमान है उसको पीटा जा रहा है, मुसलमान अगर नहीं भी है, कोई इंसान ही है तो कम से कम इतना तो रहम दिल होना चाहिए ना कि अगर वो देख रहा है कोई पिट रहा है तो वजह पूछनी चाहिए। लेकिन नहीं, आज के नए भारत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि लोगों के दिलों में नफरत ही इस कदर भर दी गई है कि वो कोई सामने अगर मर भी रहा होगा तो उससे एक बार नहीं पूछा जाएगा कि आखिर इसे क्यों मारा जा रहा है। लोग आएंगे, देखेंगे और निकलते बन जाएंगे और चलते फिरेंगे वहां से कि भाई हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन बाद में जब उस शख्स की जान चली जाएगी तो रोने पीटने के लिए सब सामने आ जाएगा, कहेंगे हमने देखा था लेकिन ऐसा हो रहा था, हमें नहीं पता था ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाएगा, अगर पता होता तो हम वहां पर उनकी मदद कर देते, बाद में आंसू बहाने के लिए सब आ जाएंगे। लेकिन अब गाजियाबाद में जिस तरह से एक इमाम को और उनके एक साथी को पीटा गया है, वो पूरी तस्वीर निकल कर सामने आ गई है और खुद इस खबर को आज तक की वेबसाइट पर छापा गया है। उसी के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रहे हैं, जिसमें इस पूरे इलाके में अब तनाव फैल गया है जहां के इमाम रहने वाले हैं और जहां पर ये पूरी घटना हुई है। उसके बाद इलाके में काम से दूसरा जो शख्स है, यानी जो इमाम थे उनके साथ एक और शख्स था जो काम करने के बाद वापस लौट रहे थे और बाकी शख्स के साथ मारपीट भी की गई है। दोनों लोगों को पीटा गया है बीच सड़क पर। उस युवक के साथ भी इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया और मामले में मोदी नगर थाने की पुलिस ने दोनों पीड़ितों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कितना महान काम किया है, सिर्फ एफआईआर दर्ज कर ली और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो अब चलती रहेगी। क्या कार्रवाई चलेगी, या फिर उस पीड़ित परिवार को, पीड़ित शख्स को धमकी दी जाएगी कि अपनी एफआईआर वापस ले लो। पीड़ितों के जो नाम है वो आपको बता दें, एमडी असजद आबिक मोदी नगर थाना क्षेत्र में समुदाय विशेष के दो लोगों के साथ अलग अलग वक्त पर मारपीट की गई है और घटना से जुड़े दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वायरल एक वीडियो में नजर आता है कि सड़क से गुजर रहे लोग विवाद को सुलझा रहे हैं और आरोपियों से युवक को बचाकर वहां से भगा रहे हैं। लेकिन दूसरा वीडियो जो है, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया है कि उसमें लोग निकलते जा रहे हैं लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आ रहा है। इस मामले में पीड़ित शख्स
यानी अस्जद इलाके की एक मस्जिद के इमाम बताए जाते हैं। इमाम अस्जद का कहना है कि अज्ञात युवकों ने एक दिन पहले भी रास्ता रोका था, फिर उनके साथ मारपीट दूसरे दिन की गई। वो मस्जिद से शाम की नमाज अदा कर एक युवक के साथ टहलने के लिए निकले हुए थे, जहां पर सड़क पर स्कूटी सवार दो युवक आए, आगे स्कूटी लगाकर खड़े हो गए। उसके बाद उनकी पिटाई वहीं पर शुरू कर दी। इसके साथ ही दूसरे धर्म के नारे लगाने के लिए भी उन्हें मजबूर कर दिया गया। किसी तरह युवकों के चंगुल से छूटकर वो पास के गन्ने के खेत में जाकर छिप गए, जिससे उनकी बामुश्किल जान बच गई। इमाम अस्जद का कहना यह भी है कि अज्ञात युवकों ने एक दिन पहले भी जिस तरह से रास्ता रोका था, उससे उन्हें पहले ही डर बैठ गया था कि वो उनके साथ इस तरह की कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि युवकों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो बीच रोड पर सड़क पर इस तरह से स्कूटी से आकर उनका रास्ता रोकने के बाद उनकी पिटाई शुरू कर देंगे और उनसे दूसरे धर्म के नारे भी लगवाए जाएंगे। गन्ने के खेत में जाकर उन्होंने अपनी जान को बचाया और उसके बाद पूरी घटना के बाद इलाके में जो तनाव है वो फैल गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ना तो पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और ना ही इस मामले में आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अभी तक सामने आई है, क्योंकि एफआईआर अगर दर्ज करनी है तो एफआईआर कितनी सारी ऐसी पड़ी हुई हैं जिनमें एफआईआर दर्ज होने के बाद की कानूनी जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं आ पाती है, उसमें इंसाफ नहीं मिल पाता है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि एक प्रोफेसर थे, वो यूनिवर्सिटी के जो पूरा ग्राउंड था उसमें नमाज पढ़ रहे थे, एक साइड में होकर वो थोड़ी सी जगह में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन वहां पर भी तथाकथित जो लोग हैं धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उन्होंने आकर के आपत्ति जताई और फिर उन प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी की तरफ से एक महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया। उन्हें तो हटाने की बातें तक करने लगे। अब नमाज पढ़ना के गुनाह हो गया है, इस तरीके से अगर घटनाएं की जाएंगी और उनके बाद उन पर कार्रवाइयां अगर नहीं की जाएंगी तो ऐसे संगठन जो ये खुद को बताते हैं कि हम धर्म की रक्षा के लिए बने हैं, तो आज क्या धर्म इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि इन लोगों को धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी? क्या धर्म के लिए रक्षा करने के लिए इन्हें दूसरे धर्म को नीचा दिखाना जरूरी है, या दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर ही ये खुद को ऊपर दिखा सकते हैं? इससे बड़ा जो मजाक है वो समाज में नहीं हो सकता है। जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहां पर कहते हैं सभी को एक छड़ी से हांका जाता है, यानी एक समान सबको देखा जाता है, अब ऐसे उत्तर प्रदेश में योगी जी के आदेशों का, निर्देशों का खुलेआम कैसे लोग मजाक बनाते हैं, कैसे उनके आदेशों को ठेंगा दिखाकर वो घटनाएं करते हैं जिससे योगी जी का सर जो है वो खुद शर्म से नीचे झुक जाएगा। योगी जी तो दावे करते हैं कि हमारे यहां से सारे के सारे अपराधी, सारे जितने भी थे सब चले गए हैं, अब कोई यूपी में नहीं है, यूपी में किसी भी तरीके का कोई क्राइम नहीं होता है। लेकिन यूपी का जो आंकड़ा आया है क्राइम का, एनसीबी की रिपोर्ट ने सारी पोल खोल दी है और उन सभी जो है लोगों को जो चेहरे बनाकर घूम रहे थे उनको उजागर कर दिया है, जो ये दावे करते फिर रहे थे यहां पर क्राइम नहीं होता है। और खुद योगी जी इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे कि आखिर इतने कड़े निर्देशों के बाद, आदेशों के बाद इस तरह की घटनाएं उनके यूपी में, उनके उत्तम प्रदेश में कैसे हो रही हैं, जबकि यूपी में जिस तरह का पुलिस प्रशासन को हिदायतें दी गई हैं, टाइट एकदम कर दिया गया है। योगी जी कहते भी रहते हैं कि किसी भी तरह से हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और सब एकदम टाइट हो जाएं, सबको चुस्ती और फुर्ती के साथ काम करना है और कोई भी कोताही ना बरती जाए। अब ऐसे में आए दिन यूपी से ही इस तरह की, बाकी राज्यों से भी आती हैं, लेकिन यूपी से कितनी घटनाएं सामने आती हैं वो हम आपको बताते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। सिर्फ वेबसाइट पर खबर छाप कर छोड़ देंगे और उसके बाद ना ब्रेकिंग चलेगी, ना उस पर डिबेट होगी और ना उस पर किसी से सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर जो वादे करते हैं उन वादों के खिलाफ ऐसे लोग कहां से आते हैं। जब अपराधी जा ही चुके हैं तो इन लोगों का जन्म कहां से होता है, ये लोग कहां से आते हैं जो यूपी का नाम बदनाम करते हैं? इन सारे सवालों के जवाब खुद पुलिस प्रशासन को तलाशने होंगे, तभी जाकर उन लोगों को जो है कहीं कड़ी सजा जाकर मिल पाएगी, जो लोग ऐसी हरकतें करने से अभी तक बाज नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।